गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट जांच के बाद आई है, जिससे ये तय हो गया है कि कमलनाथ की विदाई तय है। कमलनाथ पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उपचुनाव के बाद चार्टर्ड आएगा और कमलनाथ को लेकर जाएगा। सीबीडीटी की रिपोर्ट, अप्रेजल रिपोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देशों ने कमलनाथ की विदाई तय कर दी है। सीबीडीटी रिपोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देश दोनों ही जांच के बाद आए हैं। निश्चित ही कार्रवाई जल्द होगी और तथ्य सामने आएंगे। कांग्रेस में युवा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस में वंशवाद हावी है, पहले भी रहा है और आज भी है। दिल्ली में सोनिया और भोपाल में भूरिया, दोनों के चिरंजीव आपके सामने वंशवाद के ताजा तरीन उदाहरण हैं। बंगाल को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, बंगाल को कंगाल कर दिया है। वहाँ बौद्धिक, आर्थिक और धार्मिक बर्बादी की गई है, जिसे देखकर मन को पीड़ा हो रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में उमड़े जन सैलाब ने सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। भाजपा की सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवानों की चिंता करती है। बाकी दल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मांग तो उठती रहती है कांग्रेस के अंदर। अब प्रश्न ये है कि बनता कौन है, ये उनका आंतरिक मामला है, किसी को भी बनाए। लेकिन आपका बनाने के पूछने से एक बात तय है कि माननीय कमलनाथ जी की विदाई हो रही है। बनाने की बात आप तब करिए जब विदाई हो जाए। और जैसी सीबीडीपीडी की रिपोर्ट, अप्राइजल रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश आया है, उससे तो लगता है कि विदाई है। जब मैं कहता था कि परिणाम आने के बाद चार्टर आएगा, ले जाएगा, आप मानते नहीं थे। कभी तो मानो हमारी। केस डायरी अलग चीज़ है, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट अलग चीज़ है। इन दोनों को न मिलाएं अथवा भ्रम पैदा हो जाता है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेके अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। वंशवाद से कांग्रेस हटी नहीं सकती है। दिल्ली से लेके भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का, दोनों में वंशवाद हावी है। बंगाल को कंगाल कर दिया निर्ममता ने। आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है आर्थिक कंगाली देखकर, आर्थिक बदहाली देखकर, बौद्धिक कंगाली देखकर, धार्मिक कंगाली देखकर, धार्मिक बदहाली देखकर। वहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है, जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पांवड़े बिछा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।